अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सनत बसाम और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू फ्राइड कीमा। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मशीन का कीमा, मटन का 300 ग्राम। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून योगर्ट, दही, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून कच्चा पपीता विद स्किन, 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, सीख कबाब मसाला 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून हल्दी। इन सब चीज़ों को कीमे में डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके हम एटलीस्ट 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि सारा मसाला इसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाए। ये इसके साथ सर्व होगी चटनी, जिसका मैं आपको लिंक नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये कीमे के साथ सर्व होगी जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगती है। अब मैं ले रही हूँ एक पैन, इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप ऑयल और इसमें 1 मीडियम प्याज लेंगे जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे कीमा जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था पहले से। मैं यहाँ पे मटन का कीमा यूज़ कर रही हूँ तो इतना देर नहीं लेगा और जल्दी ही गल भी जाएगा। इसको हमने इतना भूनना है कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 10 से 15 मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर 1/2 कप पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे। दस मिनट बाद हम इसको खोलेंगे और इसको अच्छी तरीके से दोबारा 10 मिनट के लिए भूनेंगे। इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पपीता डालने की वजह से कीमा बहुत ही मुलायम और मज़ेदार बनेगा। आप देख रहे होंगे पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ 3 साबुत हरी मिर्चें, साथ ही कुछ ये धनिया और अदरक बारीक कटा हुआ। अब मैं रख रही हूँ एल्युमिनियम फॉइल और साथ ही कोयला रखेंगे और कोयले का धुआं देंगे ताकि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा स्मोकी इफेक्ट आ जाए। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। लीजिए, हमारा कीमा जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। इसको हम प्याज के साथ और इस चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसको पराठे और ताफ्तान के साथ भी खा सकते हैं। आज हम बना रहे हैं नमकीन मखनी चिकन। इसमें सबसे पहले जाएगा चिकन 500 ग्राम जो कि मैंने बोनलेस लिया है और क्यूब्स में काट लिया है। 2 टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, मक्खन 3 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ऑयल 1/4 कप और बाकी की चीज़ें गार्निशिंग के लिए हैं। सबसे पहले हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे पैन में। साथ ही हम ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि हल्का गोल्डन हो जाए। इसके बाद ये हमने जो चिकन काटी हुई थी क्यूब्स में 500 ग्राम ये डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आप बोन वाली चिकन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे बोनलेस यूज़ कर रही हूँ। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। इसके बाद ये मैंने 2 टमाटर लिए थे जो कि दरमियाने साइज़ के थे। इसको मैंने छील के बारीक काट लिया है। इसको हम चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। ये बहुत ही आसान डिश है जो कि 15 से 20 मिनट में इजीली तैयार हो जाती है।
को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। मैंने 3 छोटी वाली जो बारीक वाली हरी मिर्चें होती हैं वो ली थी और उसको मैंने बारीक पीस लिया। अब हमने इसको तो इतना पीसना है कि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और अच्छे तरीके से भुन जाए। इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब मैंने डाला है लेमन जूस 1 टेबलस्पून। अभी 2 से 3 हरी मिर्चें साबुत डाल देंगे, कुछ अदरक और थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। हमारी डिश ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब सबसे आखिर में हम इसमें 3 टेबलस्पून मक्खन डालेंगे जो इसको बहुत ही मज़ेदार और लजीज टेस्ट देगा। लीजिए, हमारी नमकीन मक्खनी चिकन तैयार है।